हेलो एंड वेलकम टू पीजी रिएक्ट। तो आज के एपिसोड में हम रिएक्ट करने वाले एक अलग सी चीज़ है, एक एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम है फैट। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, बस थंबनेल से मुझे थोड़ा सा एक आइडिया आ चुका है। मैंने थंबनेल देख लिए, वीडियो व्यूज, एंड आई होप तुम्हें ये काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ कि मुझे पसंद ही आ जाएगा, क्योंकि एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म का जो टेस्ट होता है वो एक काफ़ी अलग ही किस्म का होता है, एक काफ़ी अलग होता है यार, तुम्हें क्या ही बताया, उसके पीछे काफ़ी मेहनत होती है एंड एक हर एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म के पीछे कोई ना कोई संदेश होता है। तो ये देखते हैं इसमें क्या छुपा हुआ है एंड लेट्स एक्सप्लोर द फैक्ट। लेट्स गो जंप इन राइट इनटू इट। मौसी का ऐसे विचित्र बातें क्यों कर रहा हूँ यार, मुझे नहीं पता। चलो जाने दो, एंजॉय करो। ओके समथिंग डिफरेंट। चलो म्यूजिक सही है। ओके कुत्ते बड़े प्यारे होते हैं यार। क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है, बट धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। गाय लोल किधर चली गई? ओके लोल वो मुर्गा। पर डर मत यार, क्या हो रहा है? काफी शांत एंड स्लो पेस शॉर्ट फिल्म लग रही है। व्हाट द ओके अभी इसके नाम का कॉन्टेक्स्ट पता चल रहा है क्या? अरे भाई अर वाह, अरे पूरा फ्यूज ही उड़ गया। बाप रे बाप, बिसी ना है, पिघलना नहीं है, ठीक है। नो नारी ओनली ब्रह्मचारी। ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है? ओके भाई ये क्या उड़ाने वाला है क्या? ओके अरे भाई मुझे लगा, अरे मुझे लगा ओह ओके मुझे जो लग रहा था वो नहीं हुआ, मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। होगा क्या? लल्लो मैंने जो सोचा वही हुआ है। क्या चल रहा है भाई इनका? What the hell? Oh. भाई साहब परेशानी में है, हो क्या रहा है? अरे ये अभी भी अंदर जा, ये एलिमेंट होता है मोस्ट ऑफ द एनिमेटेड थिंग। मुर्गा अभी भी सलामत है भाई, तू मत फुलियो अब, ठीक है। 3-2-1 बोलने वाला था लोल। शीश एफ भाई ये तो कुछ काफी अलग चीज। अरे अपने फार्मर को अभी तक कुछ नहीं हुआ यार। एक विजुअल ट्रीट तो है ही ऑब्वियसली।
मुर्गिया तार पे क्या कर रही है भाई, चिड़िया बैठती है ना तार पे। नहीं नहीं शीश, हे भगवान, अबे तू क्यों भाग रहा है, व्हाट द हेल। वाओ घर फूट गया यार, फूट गया क्या भाई, किसकी आवाज थी फिर। चिल मार रहे भाई साहब, ठीक है कुछ लेना देना है। वाओ ओके डायरेक्शन काफी सही, कुछ अलग। काफी लोगों का हाथ है भाई इसके पीछे, वाओ। यही तो बात होती है एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म्स की, लगता है कि किसी एक ही बंदे ने बनाया होगा, बट ये काफी लोगों का हाथ होता है इसके पीछे। ओके बाप रे बाप, लेट मी चेक दिस आउट। ओके तो भाई साहब फैट, जैसा कि नाम था एंड थंबनेल पे भी एक फूली हुई गाय, वाह बलून्ड गाय, बलून्ड काउ, मैं क्या कह सकता हूँ इसको, इसके लिए शब्द ही नहीं है मेरे पास। काफी एक अलग सा कॉन्सेप्ट था, वाह। इसके आगे पीछे बहुत खेल सकते थे, ठीक है इसी कॉन्सेप्ट के साथ एक पूरी एनिमेटेड फिल्म भी बन सकती है कि मतलब कुछ हुआ एंड फिर वो, हाँ मतलब मैं यहाँ पर स्टोरी एक्सप्लेन नहीं करने वाला, मेरे दिमाग में एक छोटा सा एक फॉर्मेट है इस स्टोरी का, ठीक है। मैं काफी राइटर बंधु हूँ, ठीक है मैं मतलब राइटिंग वाइटिंग अच्छी है मेरी, तो हाँ मुझे पता नहीं, एक अलग ही एक्सपीरियंस था इस वीडियो का, शॉर्ट फिल्म का। एंडिंग काफी सही रही, एक अलग तरीके से बिल्डअप किया हुआ एक शॉर्ट फिल्म था ये, इसके पीछे ज्यादा सोचने वाला विषय नहीं था, बस हो रहा है, ठीक है कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसे रोकने का कोई विचार है, नथिंग, जस्ट बी विथ इट। ओके जो हो रहा है सो हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एंड ऐसे सिचुएशन में भी वो बंदा चिल मार रहा था, आई थिंक इसमें से काफी ऐसे सीखने वाली चीजें है ना, मतलब तुम समझ रहे हो ना, सिचुएशन कैसे भी हो चिल मारो। एक्चुअली ये फॉर्मूला हर जगह पर हर सिचुएशन में काम नहीं आता, बट कम से कम ये तुम्हें उस सिचुएशन से लड़ने की हिम्मत तो दे ही सकता है, ठीक है जस्ट डोंट बी विथ इट टोटली, ठीक है। जैसे श्री कृष्ण की तरह क्या कहते हो, अनटच रहो, ठीक है मतलब बी अ पार्ट ऑफ इट बट डोंट बी अ पार्ट ऑफ इट। सो हाँ वो एक अपनी खुद की कला के ऊपर होता है, एंड आई थिंक यही इसके पीछे का मैसेज होगा, गॉड नोज। एंड जो रिप्रेजेंटेशन था वो बुल वाला सीन भाई, वो गाय आगे चली गई एंड वो बुल वही पर, अरे मैंने सोचा था ठीक है जब वो ऐसे आया मैंने सोचा कि हाँ अभी ये होने वाला है, बट वो कैमरा थोड़ा साइड में घूम गया तो मुझे लगा कि नहीं ये ऐसा थोड़ी दिखा सकते हैं मतलब, बट देन भाई वो सीन फिर से चालू हो गया। एंड उसकी वाइफ को देख के मुझे वो मॉन्स्टर हाउस, अरे हाँ मॉन्स्टर हाउस मूवी की याद आ गई, उसमें भी एक उसकी वाइफ जो होती है वो काफी फैट होती है, पता नहीं मतलब, हाँ याद आ गया भाई मुझे, वो फैट औरत देख के मुझे उस औरत का लेडी की याद आ गई जो मॉन्स्टर हाउस में उसकी वाइफ थी, नट क्रैकर, हाँ उस बुड्ढे का नाम नट क्रैकर था। वो मूवी भाई काफी सही मूवी है, मैंने बचपन में देखी थी एंड आई थिंक 2-3 साल पहले भी देखी थी मैंने वो मूवी। कुछ ऐसी है कि मतलब आई थिंक हाँ वो मूवी एक ऐसे टाइप की है कि तुम उसे एक बार देख लो तो मन भर जाता है बार बार देखने का, मतलब तो हाँ काफी सही मूवी थी। एंड हाँ जो भाई यार ये प्यार वाला मामला अभी तुमको क्या ही बताए, एक्सपीरियंस में आएगा तुम्हारे अगर नसीब अच्छा हो तो, ठीक है वैसे हर किसी के नसीब में नहीं होता। वो जो आखिर में वो बैठा हुआ है गिटार बजाता है एंड वो ऊपर जाता है तो उसे उसकी चिंता नहीं है भाई, ठीक है कि वो गिर जाएगा क्या होगा, वो बस उसी के साथ जा रहा है। मैंने जैसे कहा कि बी विथ इट बट डोंट बी विथ इट, वैसा वाला विषय था यहाँ पर। वो बैठा है गिटार बजा रहा है ऊपर उसकी बीवी थी एंड भाई एंडिंग जो हुई है ना मजा आ गया, मेरे को पर्सनली काफी पसंद आया है। एंड ऐसी एक नहीं काफी शॉर्ट फिल्म्स वगैरह है एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म्स,
काफी सही, मेरे को सारे देखने हैं, मेरे को काफी कंटेंट एक्सप्लोर करना है अभी। ये तो बस एक उसका एक अंश कह लो, एक समुंदर का एक गिलास पानी, गिलास। वाह, योर मराठी एक्सेंट इज सो हॉट। गिलास नहीं भाई, ग्लास। तो हाँ, जो एक बकेट ऑफ दोष, क्योंकि बकेट खेलो ग्लास खेलो क्या फर्क पड़ता है। तो हाँ, ऐसा काफी कंटेंट अभी है, मुझे भी काफी एक्सप्लोर करना है, देखना है, तुम्हें भी दिखाना है। एंड ये स्टे ट्यून्ड, स्टे फ्रेश। काफी ऐसा एनिमेटेड कंटेंट के पीछे काफी एक बड़ा मेहनत होती है, ठीक है, जो हमें, जिसकी हमें सराहना जरूर करनी चाहिए। ऐसा मैं पर्सनल फील करता हूँ, एंड तुम्हें भी फील करना चाहिए। सो इस जर्नी के साथ एनिमेटेड वीडियोस देखने की, एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म्स हो गए, एनिमेटेड नरेटेड वीडियोस हो गए, ये देखने की जो हमारी जर्नी है वो ऐसे ही, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। एंड ये दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में जल्द ही, तब तक के लिए गुड बाय, पीस आउट।